कश्मीर के बेटों, फार और कोटा की चोटियों से लेकर हजीरा की वादियों से गुजरकर तराड़खड़ के पहाड़ों से गुजरते हुए बुलंदरी के मकाम पर शहीदों और गाजियों की धरती पर करने से उठकर पंजेड़ा से गुजरते हुए कोटली के गैरत बंदों के पास आकर इस काफले ने यहां धरने की सूरत अख्तियार कर ली। मेरे भाइयों, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लोग कैद होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, घरों में खुशियां भी होंगी, जनाजे भी उठेंगे, रमजान भी आएगा, ईदें भी होंगी, मगर दोस्तों 75 सालों में पहली दफा हुआ है कि कोटली वालों ने पहली दफा हुआ है कि जिस घर के पास से गुजरते हैं माँ ये नहीं कहती कि मैं मलक हूँ, बहन ये नहीं कहती कि मैं सज्जन हूँ, मेरे भाई जिस दुकान पे जाते हैं वो ये नहीं कहता कि मैं कोटली वाला हूँ, मीरपुर में जाओ तो वो ये नहीं कहता कि मैं बरेलवी हूँ, किसी मदरसे में जाओ तो ये वो नहीं कहता कि मैं देवबंदी हूँ। हाँ हाँ, हर जगह से आवाज आई है कि हम कश्मीरी हैं। जब हम रात को, कल जब हमारा काफिला पलंदरी के मकाम पर पहुंचा तो पलंदरी के लोगों ने, ट्रांसपोर्टों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, बेवाओं ने, औरतों ने, स्टूडेंट्स ने, बुकला ने, साफियों ने, दुकानदारों ने, हर मरतबे फिक्र के लोगों ने इस गैरतमंद काफले का इस्तकबाल किया है। इस पर एलियाने बुलंदरी, एलियाने सुन्नती मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरे दोस्तों, फिर जब फैसला हुआ, एक्शन कमेटी बैठी, दानश्वर बैठे, गयूर बैठे, बहादुर बैठे, हमारे भाई बैठे, आपके भाई बैठे, आपके बेटे बैठे, तो उन्होंने फैसला किया कि ये लॉन्ग मार्च कोटली की तरफ जाएगा। दोस्तों, जब पंजेड़ा चौक में पहुंचे तो पंजेड़ा चौक के मजदूरों ने, गंजूरों ने, बहादुरों ने, लोगों ने, तमाम मरतबे फिक्र के लोगों ने इस काफले का बढ़ाना अपने घरों को रात को सुनाया, खाने का बंदोबस्त 2 घंटे के अंदर किया। खुदा की कसम, आम हालत में कोई बंदा वो 2 दिन भी लगा कर नहीं कर सकता जो पंजेड़ा सरसावा के लोगों ने 2 घंटे के अंदर किया। इस पर खूब मुबारक होश, वो तुम्हें कामयाब होती है, वो तुम्हें अपना मकसद पूरा करती है, जो कुएं की सफाई सफाई करती है। आप हजूम नहीं है, आप हजूम, आप कुएं कुम वो होती है जिसको इशारा किया जाए तो कुम बैठ जाती है। जनाब एनजी आजाद कश्मीर, जनाब डीसी साहबान, जनाब मुल्ला, और सुनो सुनो सुनो, संग बात करने लगाऊं। दोस्तों, ये मशीन, ये मशीन, बात सुनो या बात सुनो, बात को इधर उधर ले जाने देते हो, फिर डालो इनका कसूर। ये आजाद है, बलियाने आजाद है, इनके ऊपर जो बैठे हुए उनको बताने लगा हूं कि तुम छुपे हुए हैं।
तुम छुपे हुए नहीं हो, तुमने ये सारा खेल खेला हुआ है। जो एक्शन कमेटी तुम्हें वार्निंग देती है, उस वार्निंग पे अमल कराओ, नहीं करोगे तो फिर बता दोगी, फिर बता दोगी और इसलिए दोस्तों कोटली वालों, आप क्या समझते हैं कि ये खेल किसी एसपी ने किया हुआ है, ये खेल किसी डीसी ने किया हुआ है, ये खेल अलवर हक ने किया हुआ है, ये इस खेल के पीछे खेलने वाले बोलो यारो, फिर वो भी सामने लाएंगे, वो भी सारी ईदें हमने बहुत ईदें घर में की है। अगर ये ईद जेल में गुजर जाए तो त्यौहार हो, ये ईद किसी पुल पर गुजर जाए तो त्यौहार हो, ये ईद अगर पैदल लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़े, चूंकि अब परवाह इसलिए लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं, लोगों ने सड़कें खोल दी हैं, लोगों ने अस्पताल छाड़ दिए हैं, अब ये कौम इंकलाब की तरफ जा रही है, किधर जा रही है? मैं अपने सारे लोगों की अगर आखना हूं के जड़े चरावी बैठे हो, कोई निकले अच्छो कोई देखो, फालतू लोग नहीं है, वली है, वली 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 इनके साथ अपना फंदा भी लाओ, तुम्हारी बख्शिश होगी। आजाद कश्मीर के उलमाए करम, आजाद कश्मीर की मजहबी जमातों, जो करूं में नौजवान बैठे हैं, फार्मर लौटेगी चोटियों से लेकर मुजफ्फरनगर तक जितने लोग बैठे हैं, अगर गाड़ियां नहीं है तो पैदल मार्च करके आओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। मुझे बता दोस्तों, मलक याकूब साहब, इनका बेटा वहां देखता हूं मैं, पैसों की कमी नहीं, मकान साफ सुथरा है, बेटे इंग्लैंड में है, मैंने उस बेटे को देखा, वो लंगर पे है, वो चावल पका रहा है, वो लोगों की खिदमत कर रहा है, बच्चों को मैंने देखा, हर बच्चा दूसरे से पूछता है मेहमान पानी पीने, कोई परेशानी तो नहीं, वाइट बंदे को मैंने देखा, वो टैंक पर जो लगा रहा है, उसको वो पूछता है धरने वाले, उसने कहा हाँ उसमें तुम्हें पैसे देने, दस लोग बैठे हुए एक होटल पर चाय पीने, उठकर पैसे देने लगे, मैं तुम्हें जायजा लगाता रहता हूँ, उसने कहा जी आप करने वाले, उसने कहा हमने, उसने कहा जी कोर्ट में पैसे वैसे कोई नहीं लेते, वो मेरे भाई रात को जो पंजेड़ा के लोग सत्सावे के लोग जब लोगों के घरों में गए, खुदा की कसम शरीर चुप खड़े होकर कह रहा हूँ, एक जब हम गए वहाँ 2 बजे वो पांव पैर निकल कर कहती है हमारे बेटे, उन्होंने कहा हमारे बेटे, उस वजीर आजम का शुक्र अदा करो जिन्होंने ये खेल खेला, उनका शुक्र अदा करो कि उन्होंने हमको कूम बनाया, कूम बनाया, कूम बनाया, वरना ये शक्ति ना होती, ये 75 साल में जबर ना होता तो नून लीग वाला नून लीग वाला था, पीपल पार्टी वाला पीपल पार्टी वाला था, मलक मलक था, सदन सदन था, मगर इनके जबान, इनके सदन, इनकी जाति, इनकी बेदर्दी ने हमको कूम बना के रख दिया है। सारे लोग हैं जिन्होंने से कुमार उठाए हुए, ये जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी का, मेरे मैं अंग्रेजी इतनी सख्त बात करता हूँ, मैं बुलाऊंगा, मैं जो सच कहेगी मैं कहूँगा।
मैं ये कह दूंगा कि जो कर वो जाएगा वो फिर क्या होगा, फिर अगली बार बोल दूंगा खाली फोन पूछी गया ना मुझे अच्छा मैं बाकी बोलो मेरे भाई कोटली बालो जब हम ये तारीफें करते हैं तो फिर जो नेगेटिव करेगा उसको हम फिर सुनाएंगे भी। ये हमने आज दिया अगर एक्शन समिति शाही धरना देती है तो जब तक वो कहती नहीं उठते बोलो 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 उठते फिर जब एक्शन समिति फैसला कर सी ना तो फिर इंशाल्लाह कोटली ने बहुत अच्छा फिर दादा एस पी कैसे कर सी ना थोड़ी जान कैसी ना मालक सफोर लगी तो हमारे कैसी